बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सतार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी सिंध पुलिस में पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 17 की जो जॉब्स आई थी उनके बारे में हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उसमें हमने आपको 11,500 के करीब यानी उससे भी ज़्यादा जो पोस्ट आई थी वो आपसे हमने डिस्कस की थी। तो उसका मैंने आपको पेपर पैटर्न जो है वो आज बताना है कि एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ऑफ पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7 जो है कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि 18 से 28 साल तक जो भी थे कैंडिडेट्स वो एलिजिबल थे इस जॉब के लिए। और इसकी जो लास्ट डेट मैंने पहले ही डिस्कस की थी उस वीडियो में कि 24 अप्रैल 2024 है, यानी जो अपकमिंग मंथ है उसकी 24 यानी 24 तारीख लास्ट है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस कांस्टेबल का जो एक्सपेक्टेड पैटर्न को कौन सा होगा, कितने सवाल आएंगे, कौन कौन से उसमें पोर्शंस होंगी और उनकी तैयारी कैसे करना है, वो आपको सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले पेपर विल बी कंप्राइजेज ऑफ 100 एमसीक्यूज एंड डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो पेपर जो है ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा या 100 एमसीक्यूज का होगा और उस पेपर को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, हर एक का जो वेटेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो उसके बाद हम सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा वो होगा सिंधी या उर्दू लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस हो सकती है। कुछ लोग जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग या उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो सिंधी करेंगे। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, वेरिएशन भी हो सकती है, तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं उसमें। जो लास्ट टाइम SPU यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की कॉन्स्टेबल की जो टेस्ट हुई थी उसका पेपर पैटर्न यही था। तो सिंधी या उर्दू के जो MCQs होंगे वो ओवरऑल 20 होंगे, जिसमें सिंधी या उर्दू ग्रामर होगा, वोकेबलरी होगी और मुख्तलिफ ऐसी कोई चीज़ें उसमें से आ जाएंगी। ज़्यादातर ग्रामर पोर्शन होता है। तो पार्ट नंबर 1 में सिंधी और उर्दू लैंग्वेज के 20 MCQs होंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारा होगा जनरल नॉलेज, उसके भी 20 MCQs होंगे, जिसमें आइलैंड्स, ओशंस, रिवर्स, सीज, माउंटेन्स या लार्जेस्ट हिमालय एपिथेट्स जो भी होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, और भी ज़्यादा मैं लिखना चाहता था, यहाँ पर लिख सकता था लेकिन इस वजह से नहीं लिखा कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। इस वजह से मैं शॉर्ट शॉर्ट जो आपको आइडियाज़ हैं वो आपको दे रहा हूँ। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 MCQs आएंगे, जिसमें मेनली ग्रामर होगा, वोकैबुलरी होगी, इडियम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे या इसके अलावा डिफरेंट दूसरे टर्म्स जो हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 4 है मैथमेटिक्स, उसके 5 MCQs होंगे और साइंस के 5 MCQs होंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है, फ्रैक्शंस होंगे, परसेंटेज होगी, अलजिब्रा होगा, जियोमेट्री के सिंपल टर्म्स होंगे और साइंस में जो इंट्रोडक्शन टू जनरल साइंस होता है वही सवाल आएंगे, आम सवाल आते, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होंगे। हाँ, अगर जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता यानी उसने कभी साइंस को इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो आसान सवाल भी जो है वो मुश्किल हो सकता है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है रीजनिंग एप्टीट्यूड। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 10 MCQs होंगे। अभी रीजनिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ये होता है लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजीज एंड नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है यानी आपकी लॉजिक जो होती है उसको चेक किया जाता है कि आप कितने जो हैं कैपेबल हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। एनालॉजीज़ वगैरह आपको दी जाएंगी, इसके अलावा नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं, वो सीरीज़ जो हैं वो भी आपको दी जाएंगी। तो ये 5 पार्ट्स हमने जो डिस्कस किए थे, अब इनकी जो है प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो हमने एक पेड ग्रुप बनाया जिसका ये आप नंबर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हमने मिनिमम जो फ़ीस रखी है वो 300 रखी है। तो इससे ज़्यादा जो है कम फीस और क्या हो सकती है, हम दिन में पता नहीं कितने खर्च कर लेते हैं, लेकिन फ़ीस रखने का यही मकसद है कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आप भी जब फीस पे करते हैं तो आप ज़्यादा सीरियस उस चीज़ को लेते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए। ये हर बंदा करता है, हर इंसान इसे ही करता है। तो ये जो है हम इसकी प्रिपरेशन जो है वो मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, हमारा ग्रुप जो है वो एक्टिव हो जाएगा मंडे से। और इसके अलावा आपके साथ जो है उसमें नोट्स शेयर किए जाएंगे, वोकैबुलरी शेयर की जाएगी, उसमें डिफरेंट मटेरियल जो होगा वो, इसके अलावा जो वीडियोस हम बनाएंगे पर्सनली वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम होंगे, इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड वीडियोस होंगी और डिफरेंट जो भी हमारी वीडियोस होंगी वो आपके साथ पर्सनली हम शेयर करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल शेयर करें। और इसके अलावा हम यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों साथ भी, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।